हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस कैसे हो, आई होप बढ़िया होंगे। गाइस सुबह के बज रहे हैं 8 और हम जाने वाले हैं खेत में। खेत में बकराई चल रही है, तो चलिए गाइस चलते हैं खेत में और आपको बताता हूँ कैसी क्या बकराई चल रही है खेत में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। गाइस तो फाइनली आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं खेत में और ये देख सकते हैं गाइस अपना खेत बकरा रहा है। ये अपना ट्रैक्टर चल रहा है न्यू हॉलैंड 3630। तो चलिए गाइस आपको बताता हूँ मैं, आप देख सकते हैं गाइस ये चल रहा है इधर, ये बकराई चल रही है। हमारे ड्राइवर साहब भाई बंटी इस्माइल दे रहे हैं, ये देख सकते हैं गाइस आप। और ये देख सकते हैं गाइस चल रहा है पीछे कल्टीवेटर और ये खेत बकरा रहे हैं गाइस। इस खेत बकराने के बाद में सामने वो जो खेत दिख रहा है उसमें चलेंगे गाइस। इधर बकर चुके हैं, इधर ऊपर वाला दिख रहा है, ये इधर पूरा बकरा चुका है गाइस। और अब इसको खेत बकरेंगे इधर गाइस। बकरने के बाद जैसे पानी गिरेगा, मौसम भी वैसे हो रहे हैं, पानी गिरने के बाद गाइस फिर इसमें बोनी करना है अपने को। इसमें गाइस मक्का बोएंगे, जो भुट्टे होंगे मक्का निकलेगी उसमें से गाइस, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी देख सकते हैं गाइस फाइनली ये बकरा रहा है, अपना ट्रैक्टर चल रहा है और ये देख सकते हैं अभी बंद हो चुका है। देख सकते हैं ये स्टार्ट हुआ है फिर से और चल्लू होगा गाइस। अब ये चल्लू पिया और ये अब चलेगा। चलिए गाइस और बताता हूँ आपको किस प्रकार से बकराई होती है। तो चलिए गाइस ये देख सकते हैं ये गाइस चल रही है। गाइस खेत में कचरा काफ़ी था आप देख सकते हैं, ये बकराई के पश्चात ही सही होगा क्योंकि बिना बकराई के ये अपन बोते हैं तो इसमें कचरा अधिक उगता है, तो गाइस मज़े नहीं आते अपने को बिल्कुल भी। और ये बकरा के बुआएगा तो गाइस कचरा भी नहीं होगा, पैदावार अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। देख सकते हैं गाइस आपको, चलिए पीछे पीछे चलता हूँ मैं, बताता हूँ मैं आपको। गाइस बरसात के दिन चालू हो चुके हैं, जैसे जैसे पानी गिरेगा उस प्रकार से बोनी होगी खेतों में। आसपास भी मैं बताऊँगा आपको, ट्रैक्टर चलते होंगे गाइस। वो एक सामने देख सकते हैं आप, थोड़ा सा जूम करूँगा मैं आपको, देख सकते हैं वो गाइस सामने है, एक ट्रैक्टर खड़ा है लाल कलर का। और गाइस इधर सामने भी चलते होंगे पर यहाँ से नज़र नहीं आएंगे गाइस अपने को। अभी देख सकते हैं बस अपना ट्रैक्टर चल रहा है यहाँ पर और सामने और भी ट्रैक्टर हैं, उनको भी मैं बताऊंगा, आपको दिखेगा तो आपको बताता हूँ मैं। अभी देख सकते हैं गाइस अभी अपना ट्रैक्टर चल रहा है। गाइस लगभग 3 एकड़ खेत बखरा चुका है, 1 एकड़ खेत और दिया है ऊपर, उसको बकरेंगे। गाइस देख सकते हैं ये बकरा चुका है, अब ये ट्रैक्टर ला रहा है, बगल बगल से लाएगा गाइस ये खेत में से लगाते हुए। ये दूसरे का खेत है गाइस, ये अपना नहीं है, ये लगाते हुए ले जाएगा ताकि इस खेत में जो निशान नहीं बने टायर के उस प्रकार से। देख सकते हैं आप ये चल रहा है ट्रैक्टर। तो गाइस आपको सामने वाले खेत में चलेंगे अपन। गाइस ट्रैक्टर हो खेती के लिए तो गाइस 55-60 का ट्रैक्टर, बड़ा ट्रैक्टर होना चाहिए गाइस, क्योंकि बड़े ट्रैक्टर से सही काम होता है, फटाफट काम होता है और दिक्कत नहीं आती है गाइस बोनी में बकराई में किसी। और गाइस देख सकते हैं अभी कांटा फंस चुका है, तो कांटा निकालते हैं हम। गाइस देख सकते हैं और ये कांटा निकल चुका है गाइस, कितना बड़ा कांटा था ये देख सकते हैं आप। ये इसको इधर पटक दिया गाइस अपन ने। और चलिए गाइस चलते हैं पीछे पीछे।